सो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें एक 0 वारा का ट्रांसफार्मर चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे कुछ इस तरह से। अब फ्रेंड्स, हम इस ट्रांसफार्मर को ग्लू गन से इस कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका देंगे। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, हम एक 2 पिन लेंगे और फ्रेंड्स, इसके जो 2 वायर थे उसे हम ट्रांसफार्मर के AC इनपुट में सोल्डरिंग कर देंगे। अब फ्रेंड्स, आपको 4007 नंबर के 4 डायोड लेने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो आप सिल्वर कलर की पट्टी देख सकते हैं, ऐसे ही हमें दूसरे वाले डायोड के सिल्वर कलर की पट्टी को एक साथ अटैच कर देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो दूसरे डायोड थे उनके जो माइनस पॉइंट है यानी कि ब्लैक पॉइंट को हमें एक साथ वैसे ही कनेक्ट कर देना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, हम 2 डायोड को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब एक 2200 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर लेंगे। अब डायोड के जहाँ पर 2 सिल्वर कलर की पट्टी है वहाँ पर हमें कैपेसिटर के पॉजिटिव को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों ब्लैक हैं, वहाँ पर हमें कैपेसिटर का नेगेटिव कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल तैयार है, अब इसको सोल्डरिंग कर लेंगे हम। पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, ब्रिज रेक्टिफायर में 2 वायर कनेक्ट कर, इसे हमें ट्रांसफार्मर के आउटपुट वाले पिन में कनेक्ट करना पड़ेगा। हम इस वायर को आउटपुट के लिए यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स, इस वायर को पॉजिटिव और नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हम एक रेड LED लेंगे, इसके पॉजिटिव को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। पर एक रेजिस्टर यूज कर रहा हूँ, नेगेटिव में कनेक्ट कर दीजिए। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। मैं सप्लाई को कर देता हूँ ऑन और अब देखिए यहाँ पर LED ग्लो कर रहा है और इसे जैसे ही कनेक्ट करेंगे ये बहुत ही तेजी से घूम रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल में न्यू होने पर सब्सक्राइब कर दो।